हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे एक मोबाइल हैंगर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है दो रिंग। एक रिंग ली है 2.5 इंच की, उसमें मैंने 14 कॉर्ड अटैच किए हैं जो कि 2.5 मीटर के हैं। और यहाँ पे एक बड़ी रिंग ली है मैंने, जिसका साइज़ है यहाँ पे 5 इंच। और कुछ अलग से ग्रीन कॉर्ड लिए हैं मैंने यहाँ पे 1-1 मीटर के, और कुछ बेल ली है, लाइटर, सीजर। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से दो दो कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगाते रहेंगे। दो कॉर्ड से मतलब कि हमारे 4 नॉट निकल के कॉर्ड निकल के आते हैं, तो वही हम इस तरीके से नॉट लगाते रहेंगे। ये देखिए, फिर से 4 कॉर्ड लेंगे और इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। ट्रायंगल शेप में हमें इसको बना लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम नॉट लगाते रहेंगे और एक ट्रायंगल शेप इसकी पूरे की बना लेनी है। ये देखिए, इसी तरीके से हम 4-4 कॉर्ड हमारे लेते रहेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इसको बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने नॉट लगा लिए। यहाँ पे लास्ट वाले जो 2 कॉर्ड हैं बीच वाले, नॉट लगाने से पहले एक बीट्स ऐड कर लेंगे। और एक नॉट लगा लेंगे, चाहो तो ये अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ से जो फर्स्ट वाला कॉर्ड है उसको लेके हम यहाँ तक सारे कॉर्ड पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, सारे कोड नहीं करने हैं, यहाँ पे मैंने 4 कोड पाइपिंग किए हैं। और अब हम इस कोड पे
ये अलग से ग्रीन कलर का कॉर्ड लेंगे और इसको हम यहाँ पे रैप कर लेंगे, मतलब कि पाइपिंग करके इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे। और जो ये फोर कॉर्ड हमने यहाँ पे पाइपिंग किए हैं, इनके ऊपर हम ये वाले कॉर्ड से इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे, एक एक कॉर्ड लेके। अब ये वाला कॉर्ड लेंगे और इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। और ये वाला कोट भी हम पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए, अब फिर से हमें यहाँ से कोट को पाइपिंग करना है। फोर कोट को हम यहाँ पे फिर से पाइपिंग कर लेंगे। थ्री और ये फोर, देखिए अब जो ग्रीन कलर का कॉर्ड है वो हमारा, देखिए ये वाला जो पाइपिंग रखा है और ये वाले जो फोर कॉर्ड जो हमने अभी पाइपिंग किए हैं, इन वाले कॉर्ड पे ग्रीन वाला कॉर्ड लेंगे और फिर से इस तरीके की पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये वाला जो कॉर्ड है जो यहाँ से आया था, ये वाला कॉर्ड था, जो ये वाला कॉर्ड था, इस वाले कॉर्ड पे हम ये वाले सारे कॉर्ड, मतलब कि फोर कॉर्ड हमारे पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये वाला कोट भी हम यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये फिर से हमें फोर कोट पाइपिंग कर लेने हैं। और ये फोर, ये देखिए जो अभी हमने फोर कोट पाइपिंग किए हैं, ये इसी तरीके की पाइपिंग हम यहाँ पे फिर से कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ऊपर वाला कॉर्ड लेंगे और सभी कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो ये वाला कॉर्ड है ना, हम इसको इस पे, इसी कॉर्ड पे पाइपिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ही कॉर्ड बच रहा है यहाँ पे, तो इस कॉर्ड पे
पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे 4-4 टाइम होगी, यहाँ पे भी 4 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम पाइपिंग होगी, ग्रीन वाली जो पाइपिंग है। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे और सेम पाइपिंग इधर भी करेंगे, ये वाला डिज़ाइन ही इधर भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने 5 टाइम किया था वो मैंने खोल दिया है और वापस से जो एक कॉर्ड था हमारा वो कॉर्ड इस इस कॉर्ड पे अटैच कर लिया है। सेम ऐसे ही इधर भी मैंने वो वाला कॉर्ड इधर की उस पर पाइपिंग कर लिया है। अब देखिए एक कॉर्ड इधर का, एक कॉर्ड इधर का है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। और अब जो हमारा कॉर्ड है ये ग्रीन वाला, यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे 2 कॉर्ड पे। यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग होगी, एक इधर वाले पे और एक इधर वाले पे। और 2 कॉर्ड पे ये वाली पाइपिंग हो जाएगी हमारी। देखिए अब यहाँ पे हम इन दोनों कॉर्ड को एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए ये वाला कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे दोनों ऑरेंज कलर के जो कॉर्ड हैं वो पाइपिंग कर लेंगे। इधर भी ऐसे ही कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे, देखिए हमारा ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमने 5 टाइम, देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली पाइपिंग की है। सेम इसी तरीके से 5 टाइम हमने यहाँ पे की थी। तो ये वाले जो कॉर्ड हैं हमारे, इनको हमें अच्छे से खींचना है ताकि हमारा ये वाला जो सर्कल वाला ये है थोड़ा सा राउंड राउंड, तो ये वाला डिज़ाइन अपने आप आ जाए। तो इन कॉर्ड को अच्छे से खींचना है और यहाँ पे हम पाइपिंग कर देंगे इस कॉर्ड पे। ये देखिए फिर से ये वाले 3 कॉर्ड लेंगे और एक बार ऊपर की साइड से और एक बार नीचे की साइड से, इस तरीके से करते हुए जैसे हमने यहाँ पे 5 टाइम लगाया है, यहाँ पे हम 13 टाइम हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से पाइपिंग कर लेंगे। हेलो, ये देखिए 13 टाइम हमने यहाँ पे पाइपिंग कर ली है और इन कॉर्ड को हम खींच लेंगे यहाँ से अच्छे से। ये देखिए 13 टाइम हमने यहाँ पे ये पाइपिंग कर ली है, फिर ये वाले कॉर्ड हम सारे इस कॉर्ड पे पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 टाइम हमने पाइपिंग की है, यहाँ पे 13 टाइम और यहाँ पे हम 17 टाइम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे और यहाँ पे 24 टाइम पाइपिंग करेंगे। इसी तरीके से पाइपिंग करके और इस कॉर्ड में ये कॉर्ड अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने 5 लगाए थे, यहाँ पे 13 नॉट लगाए, यहाँ पे फिर 17 लगाए, यहाँ पर 24 लगाए। इस तरीके से हमने यहाँ की पाइपिंग कंप्लीट कर ली और यहाँ से छोटी सी वीडियो मेरी डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कॉर्ड है ना, उसी पे एक ही कॉर्ड यहाँ पे इधर का कॉर्ड पाइपिंग हुआ था, तो
इस तरीके से हमने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए टू कॉर्ड इधर से, टू कॉर्ड इधर से लेके एक नॉट लगाया, फिर टू कॉर्ड इधर, इस नॉट के निकलेंगे इधर, टू कॉर्ड निकलेंगे इधर, तो यहाँ से और टू कॉर्ड ऐड करके यहाँ पे ये नॉट लगाया, फिर इसी तरीके से टू टू कॉर्ड निकलते हुए और टू टू कॉर्ड ज्वाइंट करते हुए नॉट लगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला डिज़ाइन मैं बना के दिखाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए नीचे से ही ये वाला कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ से देखिए एक एक कॉर्ड पे सिर्फ वन टाइम हम यहाँ पे इसको रैप करेंगे। देखिए इस तरीके से सभी कॉर्ड्स पे वन वन टाइम हम इसको तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम सभी कॉर्ड्स पे वन वन टाइम, सिर्फ वन टाइम ही हमने यहाँ पे पाइपिंग किया है। देखिए सभी कॉर्ड्स पे हम यहाँ पे वन वन टाइम इस कॉर्ड को रैप कर लेंगे, या फिर पाइपिंग कह सकते हैं आप, रैप करना कह सकते हैं, जो भी। यहाँ पे और लास्ट वाले कॉर्ड पे भी हम इसको पाइपिंग कर लेंगे। देखिए अब ये थोड़े से इस तरीके से हैं, तो इनको हम अच्छे से, जो हमारे ये वाले कॉर्ड हैं, तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या करना है, ये वाला कॉर्ड को हम कट कर लेंगे और यहीं पे हम पीछे की साइड पे चिपका देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बीच के फोर कॉर्ड लेने हैं और नॉट लगा देना है। देखिए यहाँ पे जो हमने नॉट लगाए थे वही नॉट हम फिर से यहाँ से लगाएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए नॉट में से दो कॉर्ड ले लिए हैं और यहाँ से टू कॉर्ड यहाँ से ले लिए हैं हमने, तो यहाँ से नॉट लगाते जाएंगे। देखिए इसी तरीके से हमें नॉट लगाने हैं। देखिए इधर की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी नॉट लगाएंगे। देखिए सभी कॉर्ड्स को हम इसी तरीके से बारी बारी से सारे नॉट लगा के यहाँ की जगह को फिल कर देंगे और हमें इस तरीके से यहाँ तक मैं यहाँ पे इसको दो तीन लाइनें एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉट के लगाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड डिजाइन से आगे हमने इतने ये नॉट लगा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमने यहाँ पे, मतलब कि एक उंगली जितना हमने आगे इतना बढ़ा लिया है। इससे हमारी जो बास्केट बनती है वो डिज़ाइन जो हमारा ये होता है, ये हमारा डिज़ाइन बास्केट के अंदर कम जाता है, तो इससे अच्छा रहता है ये नॉट लगाना। तो
तो यहाँ पे देखिए सभी कॉर्ड्स को अब हम बारी बारी से रिंग पे अटैच कर लेंगे। कुछ कॉर्ड हमारे यहाँ पे छोटे रह गए हैं, कुछ तो हमारे ये वाला जब डिजाइन हमने बनाया था ऊपर वाला पाइपिंग वाला उसमें हमारा ज़्यादा लगता है, तो कुछ हमारा तभी ख़त्म हो गया था यहाँ पे ही, और कुछ अभी हमारा देखिए छोटा छोटा सा बचा है, इसमें हम अलग से कॉर्ड ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए सभी कॉर्ड्स को हम इसी तरीके से यहाँ पे रिंग पे कवर कर लेंगे। देखिए रिंग को हम ऐसे घुमाते जाएंगे और यहाँ तक हम सारे कॉर्ड इसी तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी टोकरी इस तरीके से अटैच हो गई है ये रिंग हमारी। और अब हम क्या करेंगे, फोर फोर कॉर्ड लेंगे और नॉट लगाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से नोट लगा लेने हैं और यहाँ पे जो रिंग में अभी मैंने कॉर्ड अटैच नहीं किए हैं, मैं अभी कॉर्ड अटैच करूँगी बाद में, तो पहले मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे नोट लगा के रेडी करूँगी। तो इसी तरीके से हमें नोट लगा लेने हैं और फिर इस तरीके से लगा लेंगे, तो फिर बीच के जो हमारे फोर कॉर्ड होंगे उन पर भी हम नोट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे कॉर्ड अटैच करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 18 कॉर्ड अटैच किए थे, जिसमें दो कॉर्ड हमें सिंपल तरीके से अटैच करके और एक एक कॉर्ड हमने यहाँ पे इस तरीके से वन वन टाइम उसको फिर से निकाल लिया था, मतलब कि दो कॉर्ड अटैच करने हैं और साइड वाले दोनों कॉर्ड को इस तरीके से एक बारी और इस रिंग पे कवर कर लेना है। और फिर मैंने यहाँ पे पूरी जो हमारी बास्केट है वो सिंपल स्क्वायर नोट से ही बनाई है, बीच में थोड़े से बीड्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको ये बचे हुए कॉर्ड हैं इनको हमें इस तरीके से रैप करना है, एक अलग से कॉर्ड ले लेंगे और इनको इस तरीके से बांधना है हमें। तो अच्छे से राउंड राउंड कर लेंगे। देखिए ये जो हम ये इस तरीके से ये करते हैं ना, ये हम एक ही बास्केट के पीछे की साइड पे हमें करना चाहिए, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है यहाँ से थोड़ा सा कट देता है वो हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ आगे से हमारा दिख सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे की साइड पे इसको कर लिया है और इस तरीके से इसको राउंड राउंड करते हुए इस तरीके से अच्छे से हम इस पर देखिए 8 से 10 चक्कर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए फिर हमें क्या करना है, ये वाला जो पहले हमने कॉर्ड लिया था इसमें से कॉर्ड हमें इस तरीके से निकाल लेना है और ये वाला कॉर्ड हमें खींच लेना है इस तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्ड को हम कट कर लेंगे, उससे पहले हमें ये वाले कॉर्ड हमारे सेट करने हैं, तो इसको हम अच्छे से सभी कॉर्ड्स को खींच लेंगे। देखिए मैंने एक बोतल ली है, उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से बास्केट के अंदर मैंने डाला हुआ है और इस बोतल को हम ऐसे प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से हम सारे कॉर्ड खींच लेंगे। ये जो हमारे धागे ना, इससे हमारे ये कॉर्ड यहाँ पे ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे और इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी।
तरीके से एक हाथ से पकड़ते जाए। मैंने देखिए उल्टा बिल्कुल इसको कर लिया है और सभी कॉर्ड्स को हम अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए सभी कॉर्ड्स को हमने खींच लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो ये इस ट्रिक का आप भी यूज़ करें। और अब हम ये वाले जो एक्स्ट्रा कॉर्ड हैं इनको हम अच्छे से खींच लेंगे और कट करके मेल्ट करेंगे और चिपका देंगे। यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा कॉर्ड को कट करेंगे, बाकी के कॉर्ड में हम बेल लगा लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेल नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने देखिए एक उसके मैंने यहाँ पे कॉर्ड निकाल दिए हैं साइड साइड से सारे, और बीच के कॉर्ड को मैं कट कर लूँगी। ये देखिए जो कॉर्ड हमने कट किए हैं उसको लाइटर की मदद से इस तरीके से ताकि खुले ना, तो इनको हम इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे, इससे कॉर्ड हमारे खुलते नहीं हैं। और अब हम इनमें मैंने दो तरीके की बेल ली हैं, ग्रीन और ब्लू, तो वो एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बेल हमने लगा ली है। अब हमारी जो ये ऊपर की रिंग है इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग से हम दो कॉर्ड से मैं आज इसको रैप करने वाली हूँ, आप चाहो तो एक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉर्ड है जो उसको हमने इस तरीके से एक साइड लंबा रखा और एक साइड पे इस तरीके से छोटू सा रखा है, इसको हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और एक कलर ये भी लेना है हमें, इसको भी हम इसी साइड से इस तरीके से छोटा रखते हुए। रिंग पे अटैच कर लेंगे। अब क्या करना है, जो ग्रीन कलर का कॉर्ड है उससे हमें पाइपिंग करनी है रिंग पे, एक बारी ऊपर से और एक बार नीचे की साइड रखते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ऑरेंज वाला कॉर्ड लेंगे और इससे हम फिर से ऐसे ही पाइपिंग करेंगे, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से। फिर ग्रीन वाला लेंगे, ये देखिए लेना हमें ऊपर से ही कॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे से ले लेंगे, तो ध्यान रखें एक बार ऊपर से एक बार नीचे से एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी रिंग कवर हो रही है और डिज़ाइन भी इसमें दो तरीके के आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आ रहा है।
ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा रिंग पे बनके तैयार हुआ है। अब इस ये जो कॉर्ड है मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं और इनको हम पीछे की साइड पे चिपका देंगे और इधर वाले कॉर्ड भी चिपका देंगे। ये देखिए मोबाइल हैंगर या फिर आप इसको मल्टीपर्पज़ भी कह सकते हैं, इसलिए बहुत ही प्यारा सा हमारा बनके तैयार हुआ है और बास्केट भी हमारी बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो और बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।